मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? हाई, आई एम जपनीत एंड आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन फॉर क्लास फोर्थ एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर बाय रत्ना सागर. आर फर्स्ट लेसन ब्लैक ब्यूटी. वी हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर एंड वी हैव रेड इट एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. ऑल्सो आई हैव गिवन यू सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स टू लर्न. So you should be practicing it today. So today we are going to do the summary of the chapter Black Beauty, the recapitulation that what we have read in the chapter. तो मैं आपको दोबारा से बताने वाली हूँ कि हमने क्या पढ़ा था ताकि आपको सब याद आ जाए. Black Beauty is the tale of handsome horse named Darky. This is lesson about him. In this lesson, his early life in Pleasant Meadow is described. His young days under the care of his mother and a kind master. तो ये एक tale है horse के बारे में और वो horse का नाम है Darky और ये पूरा chapter उसी के बारे में है कि वो कैसे एक अच्छे से farm में अपनी mama के care में और एक बहुत अच्छे master, kind master के under रहता है. Gradually he is matured and starts eating grass. This shows more independence. Soon he starts playing with other calls in the field, kicking and biting. तो जल्दी ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो खुद अपने आप ग्रास खाना शुरू कर देता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो अपने सारे काम खुद कर पा रहा है. और जल्दी ही वो बाकी सारे कॉल्स यानी बाकी सारे जो हॉर्सेस हैं वहाँ पर उनके साथ खेलने लग जाता है और किक करता है और बाइट करता है. आफ्टर वन सच प्ले हिज मदर गेव हिम एन एडवाइस, बी जेंटल एंड डू ऑल गुड थिंग्स, वर्क विद गुड स्पिरिट एंड नेवर किक और बाइट. तो उसको थोड़े टाइम बाद उसकी मम्मा, जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी मम्मा उसे एडवाइस देती हैं कि हमेशा अच्छे बनो, अच्छा काम करो, अच्छी तरह से हर काम को करो और कभी भी काटो मत और किक मत करो. आफ्टर दिस ही गोज टू द फार्म ऑफ स्क्वेयर गार्डन फॉर हिज ट्रेनिंग, वेयर ही एक्सपीरियंसेस कंपनी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड अ क्रिएचर. दैट क्रिएचर इज अ ट्रेन, सो ही बिकेम फ्राइटेंड ऑफ दैट क्रिएचर, बट सून ही रियलाइजेज दैट दिस क्रिएचर इज नॉट गोइंग टू हार्म हिम और ही विल नॉट कम टू the farm. Then he was trained to bear a collar, saddle and bridle. He also learned to handle a cart and carriages. Here at this moment his kind master advised him to obey his commander always and never kick or bite. तो उसके बाद वहाँ पर स्क्वायर गॉर्डन के फार्म पर वो जाकर ट्रेनिंग लेता है और फिर उसको सैडल, ब्रिडल और कॉलर लगाने के लिए ट्रेन किया जाता है कि वो बेयर कर पाए अपनी सीट और जो उसका पट्टा पकड़ने वाला है जिससे उसको कमांड किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. और फिर उसके पीछे कार्ट्स या कैरेजेस लगाकर उसे ट्रेन किया जाता है ताकि वो उन्हें कैरी कर पाए. और इसी टाइम पर उसके मास्टर उसे एक एडवाइस देते हैं कि कभी भी तुम किक और बाइट मत करना और हमेशा जो तुम्हारा कमांडर है, जो तुम्हें चला रहा है, उसकी बात को फॉलो करना. दिस इज हाउ ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, दिस इज हाउ ही गॉट ट्रेन्ड फॉर हिज वर्क. वी आर गोइंग टू डू मेक सेंटेंसेस ऑफ दिस चैप्टर. सो द वर्ड्स यू हैव डन इन वर्ड मीनिंग, आई हैव गिवन यू दोज वर्ड्स टू डू सो दैट यू कैन यूज देम. तो आपने जो वर्ड मीनिंग में करे थे वही सेम वर्ड्स हैं मिक्स सेंटेंसेस के लिए ताकि आपको उनका यूज करना आ जाए. सो यू हैव टू मेक ऑल दीज सेंटेंसेस, हैंडसम, क्रूअल, स्कोल्डेड, एग्जामिन्ड, ग्रेज्ड, रियलाइज्ड, फ्राइटेंड एंड क्रिएचर. इफ यू नीड सम हेल्प यू कैन टेल मी. ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द वेब चार्ट. वेब चार्ट ऑफ मास्टर, दैट what qualities master had. So master was just, he was kind, he was caring, he was thoughtful and he was generous towards the animals. He was very loving to them.
So I have chosen all these words according to the chapter. Now we will move on to book exercise. Here I am giving you the book exercise, but you have to do it on your own. But I will give you answers so that you can check them. All right, let's do it. So play with words, it's very easy. Write one word for the following. You only have to write a word, single word. A young male horse. तो young male horse किसको कहते हैं, उसके लिए एक word लिखना. आपने chapter में पढ़ा है, chapter से ही है ये सारे words, ठीक है? The fast movement of a horse. जल्दी जल्दी भागने को क्या कहते हैं, horse की जल्दी जल्दी भागने को. The sound made by a horse. Horse कौन सी sound बनाता है, उसकी आवाज. अ फीमेल हॉर्स, तो फीमेल हॉर्स को क्या कहते हैं. नेक्स्ट, मेक थ्री न्यू वर्ड्स ऑफ थ्री और मोर लेटर्स फ्रॉम दीज. सो फर्स्ट है हॉर्स, आपको क्या करना है, हॉर्स वाले सारे लेटर्स को यूज करके कोई भी तीन वर्ड बनाने हैं. जैसे यू कैन मेक रोज, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है, और भी आपको ऐसे बनाने हैं वर्ड्स, ठीक है? तो ऐसे आपको थ्री वर्ड्स बनाने हैं, इसमें से कोई भी वर्ड को, कोई भी लेटर को चूज करके. और वो वर्ड कम से कम तीन लेटर, थ्री लेटर का होना चाहिए, या उससे ज्यादा को हो सकता है. यू कैन नॉट रिपीट अ सिंगल लेटर. अगर एक बार ओ आ रहा है तो आपके वर्ड में भी एक ही बार ओ आना चाहिए, दो बार ही नहीं यूज कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट इज मीडो, नेक्स्ट इज फार्मर, एंड द लास्ट वन इज कैरेज. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेलिंग्स, वी हैव टू प्ले विद स्पेलिंग्स. सो हाउ यू विल प्ले विद स्पेलिंग्स, यू हैव टू रिकॉग्नाइज देम दैट दे आर करेक्ट और नॉट. लेट्स सी, सर्कल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट. तो जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको सर्कल करना है. सो डाकी वॉज अ कॉल्ट, कॉल्ट ऑन फार्मर ग्रेज फार्म. तो कौन सा वाला कॉल्ट, स्पेलिंग कौन सी है, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे सर्कल करेंगे. वेरी इजी, ओके? यू हैव स्टडीड चैप्टर, यू हैव डन डिफिकल्ट वर्ड्स, यू हैव डन वर्ड मीनिंग, सो यू नो द स्पेलिंग्स एंड यू नो ऑल द आंसर्स. नाउ डिक द प्लॉ बॉय वुड थ्रो स्टोन्स इन ट्विग्स एट द हॉर्सेस. तो प्लॉ की कौन सी स्पेलिंग है, ठीक है? ऐसे आपको और बाकी के भी करने हैं. ग्रामर फन विद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो डू यू रिमेंबर आर फर्स्ट सेशन वॉज अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डन इट. सो हेयर इन दिस चैप्टर दे हैव गिवन यू दिस अगेन, सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट टूडे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस इज अ complete sense is called a sentence. So you remember that we have already studied that ek aisi sentence jisme sare words sense banaye use sentence kehte. Now next, a sentence that tells us something is called a statement and it ends with a full stop. To kuch bhi jo hame ek sentence batata hai use हम स्टेटमेंट कहते हैं, और ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, डाकी लिव्ड ऑन अ फार्म विद हिज मदर. तो वो अपनी मम्मा के साथ रहता था उस फार्म में. तो एक ये स्टेटमेंट है जो कुछ भी बता रहा है आपको. अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. तो कोई भी चीज जिसमें कुछ पूछा जाए और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो, तो उसे सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है वो, और उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं. What, how is your little ducky? So this is a question. A sentence that gives a command or make a request is called an imperative sentence. So जिसमें आपको command या request के बारे में पता चले, उसे imperative कहते हैं. Leave my farm at once. अभी के अभी मेरा farm छोड़कर चले जाओ. तो ये एक command है.
An exclamatory sentence expresses a sudden or strong feeling like surprise or sadness. It ends with an exclamation mark. तो जिस सेंटेंस में आपको कुछ सरप्राइजिंग सा या सैडनेस या हैप्पीनेस कुछ भी आपको पता चले उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स अ फ्राइटफुल क्रिएचर. तो इधर आपको कुछ स्केरी सा, एक सरप्राइज सा फील हो रहा है, तो ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है. ऑलवेज रिमेंबर, अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज हैव अ वर्ब. तो एक सेंटेंस में वर्ब होना बहुत जरूरी है. ऑल राइट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ द डे. सो रीड दिस सेंटेंसेस एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन विद इन द ब्रैकेट. सो देयर आर सम सेंटेंसेस यू हैव टू टेक द ऑप्शन. I wish I could travel all over the world. So you have to tell me that it's a question or exclamation sentence. Look what I have made for you. So it's statement or imperative. You have to take one option which I have given you in the bracket, and I have also bolded it so you can clearly see it. I hope you are going to the library. It's a question or a statement you have to mention. Likewise, you have to do all these. Now move on to H part. Read these sentences and write suitable questions for them in your notebook. Frame your questions so that the underlined words are the answers. All right. So I am going to give you an example with that. Don't worry. Just listen to it first and then do it yourself. First one is Darkie's master was Farmer Gray. This is the answer. So you have to make a question for it in this blank that the Farmer Gray becomes an answer. आपको ऐसा question frame करना है कि उसका answer बने कि Darkie's master was Farmer Gray. तो क्या ऐसा question हो सकता है? Who was Darkie's master? कौन था डाकी का मास्टर? डाकीज मास्टर वॉज फार्मर ग्रे. तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है, हु वॉज डाकीज मास्टर. लाइकवाइज यू हैव टू डू ऑल दीज सेंटेंसेज. डाकी प्लेड विद अदर कॉल्स इन द मीडो व्हेन हिज मदर वेंट टू वर्क. यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन फॉर दिस. अली हैज अ पेन इन हिज पॉकेट. यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन फॉर दिस टू. सोमा लेफ्ट एट 5 o'clock. दिस इज Ravi's dog. We went out for dinner last night. So you have to make questions for all these sentences. Now we are moving on to the homework. Learn and write word meanings in your notebook. So you have already done it. Do make sentences. You have to do make sentences. Learn and make web chart in your नोटबुक. तो आपको नोटबुक में बनाना है वेब चार्ट और लर्न करना है कि मास्टर की क्वालिटीज क्या क्या हैं. डू बुक एक्सरसाइज एंड चेक आंसर्स. हाउ विल यू चेक आंसर्स? यू डोंट हैव आंसर्स टिल नाउ, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर्स अलोंग विद दिस वीडियो सो दैट यू कैन चेक योर आंसर्स. सो यू हैव टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस गिवन इन बुक एक्सरसाइज. एंड हियर I have mentioned answers of book exercise. You can see all the answers here. So don't worry. First do yourself and then check it. Okay. Thank you everyone, and I hope you like this video and you have understood it well. And I've tried to do book exercise on my part, but I am giving you to do yourself because you can check your knowledge whether you have understood the chapter or not. Also, I have given you answers so that you can check your answers, that your answers are correct or not. All right? Okay. Bye-bye. Take care, everyone. Stay home. Stay safe. Bye.